दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम भी श्रीलंका के दौरे पर है, जहां पर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई और 3 मैचों की सीरीज पर श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज कर ली है। लेकिन अब शुरू हो चुकी है 3 मैचों की T20I सीरीज। अब देखिए, यहां पर पहला T20I मैच वेस्टइंडीज वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया था 24 जून यानी कि मंडे के दिन, जिसमें श्रीलंका की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। अब देखिए, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज पर तो श्रीलंका की टीम कब्जा जमा चुकी है, अब क्या T20I सीरीज पर भी श्रीलंका की टीम कब्जा जमाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल तो यहाँ पर जीत के साथ श्रीलंका की टीम ने T20I सीरीज में अपना खाता खोल लिया है और अब दूसरा मैच होने वाला है 26 जून को वेडनेसडे के दिन। बता दें कि ये मुकाबला महिंद्रा राजबक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा सुबह 10 बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस वेस्टइंडीज वुमेन्स के बीच होने वाले सेकंड T20I मैच को। तो देखिए, शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। तो महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम में अभी तक कितने मुकाबले खेले गए हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहला T20I मैच खेला गया था वो इसी पिच पर खेला गया था और इस पिच पर ये पहली बार मुकाबला खेला गया था और जिसे जीता है सेकंड बैटिंग करते हुए टीम ने, यानी कि श्रीलंका की टीम ने 4 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया था। हाईएस्ट स्कोर बनाया है श्रीलंका वुमेन्स की टीम ने 137 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर वेस्टइंडीज वुमेन्स की टीम ने दर्ज किया है 134 का। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीम 24 बार T20I में आमने सामने आ चुकी हैं, एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। श्रीलंका की टीम ने जीते हैं यहां पर 5 मुकाबले, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि वेस्टइंडीज जो है वो श्रीलंका पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा मुकाबले वेस्टइंडीज की टीम ने अपने नाम किए हैं, लेकिन क्या सेकंड T20I मैच में श्रीलंका की टीम जीत दर्ज कर इस सीरीज पर भी कब्जा जमाएगी, या फिर यहां पर वेस्टइंडीज की टीम सेकंड T20I मैच में जीत दर्ज कर श्रीलंका को पटखनी देती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस लिहाज से सेकंड T20I मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ऐसे में देखिए, श्रीलंका की टीम तो चाहेगी कि सेकंड T20I मैच को जीतकर 2-1 से इस सीरीज में बढ़त बना ले। अब ऐसे में किन 11 खिलाड़ियों को यहां पर मौका देंगी चमारी अथापत्थु, जो कि टीम के कप्तान है, तो चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो श्रीलंका वुमेन्स की जो प्लेइंग 11 हो सकती है उसमें शामिल रह सकती है चमारी अथापत्थु, हर्षिता समरविक्रमा, विश्मय गुणारत्ने, नीलाक्षी दिसिल्वा, कविशा दिलहारी, कौशनी नुथियांगना, हसिनी परेरा, एमा कंचना, सुगंधिका कुमारी, इनोशी प्रियादर्शनी और काव्या कविंदी। तो ये 11 खिलाड़ी हमें श्रीलंका की प्लेइंग 11 में नजर आ सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका के की प्लेयर्स पर नजर डालें, यानी कि उन बल्लेबाजों उन गेंदबाजों पर जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर वेस्टइंडीज की टीम को करारी शिकस्त दे सकती है, तो देखिए, यहां पर पहला नाम हमने शामिल किया है विश्मय गुणारत्ने का, जिन्होंने पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 35 रन की पारी खेली थी 140 के स्ट्राइक रेट से। अगला नाम है हर्षिता समरविक्रमा का, जिन्होंने 35 रन बनाए थे 102.94 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा हसिनी परेरा है, जिन्होंने 20 रन की पारी खेली थी फर्स्ट T20I मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ और उनका स्ट्राइक रेट था 142.86 का। तो ये 3 बल्लेबाज एक बार फिर से अच्छे रन स्कोर करते हुए हमें नजर आ सकती हैं। गेंदबाजों की बात करें तो चमारी अथापत्थु हैं, जिन्होंने पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी और यहां पर 7.20 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने 4 विकेट अपने खाते में जोड़े थे। दोस्तों, अगला नाम है इनोशी प्रियदर्शनी का, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे 7 के इकोनॉमी रेट से। और आखिरी नाम है एमा कंचना का, 6.30 के इकोनॉमी रेट से 1 विकेट अपने नाम किया। तो ये है वो श्रीलंका के खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं। अब दोस्तों, यहां पर बात करते हैं वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि एक सीरीज यानी कि ओडीआई सीरीज तो वेस्टइंडीज की टीम गवा चुकी है, लेकिन T20I सीरीज पर कब्जा जमाना जरूर चाहेगी। तो ऐसे में हेली मैथ्यूज किन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे, चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। स्टीफन टेलर, शेमेन कैम्बल, जडेन नेशन, आलिया एलिन, शिनेल हेनरी, अफी फ्लेचर, जायदा जेम्स, कियान जोसेफ, करिश्मा रामहरेक और शमेलिया कॉनल। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर वेस्टइंडीज की प्लेयर्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर पहला नाम है हेली मैथ्यूज का, जिन्होंने 30 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ पहले T20I मैच में, साथ ही उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी अपने खाते में जोड़ा था। अगला नाम है यहाँ पर आलिया एलन का, जिन्होंने 26 रन बनाए थे, साथ ही गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी चटकाया था। गेंदबाजों में एफी फ्लेचर है, जिन्होंने 2 विकेट अपने खाते में जोड़े थे 7.20 के इकोनॉमी रेट से। अगला नाम है शमेलिया कॉनल का, जिन्होंने 1 विकेट चटकाया था 7.50 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम है करिश्मा रामहरेक का, जिन्होंने 1 विकेट अपने खाते में जोड़ा था 7.50 के इकोनॉमी रेट से। तो ये हो गई वेस्टइंडीज की वो खिलाड़ी जो कि श्रीलंका को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल यहां पर अब बात करते हैं
कंक्लूजन के बारे में कि कौन सी टीम इस मुकाबले में किस पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी और इस मुकाबले में जीत का परचम लहराती हुई दिखाई देगी। तो देखिए हेड टू हेड कंपैरिजन में यहां पर वेस्टइंडीज की टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि 18 मुकाबले वेस्टइंडीज की टीम ने जीते हैं। तो ऐसे में तो वेस्टइंडीज को इस मुकाबले पर जीत दर्ज करनी चाहिए। तो ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रह सकती है। लेकिन अगर पिछले परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहां पर श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, तो श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है, साथ ही सीरीज में 2-0 से बढ़त भी बना सकती है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर 60% चांसेस श्रीलंका की टीम के नजर आ रही हैं, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम के 40% चांसेस जीत के दिखाई दे रहे हैं। अब आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर शेयर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।